सो गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो गाइस। एक और बार हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑटो आ चुका है जो कि ये भैया ने लिया हुआ है। ठीक है भैया, हंस के दिखाओ थोड़ा। ठीक है तो भाई, इन्होंने इलेक्ट्रिक ऑटो लिया है और कितने का पड़ा है इनको और किस पर्पस के लिए वो तो देख सकते हैं। ये लड्डू वगैरह बेच रहे हैं भाई। देखो इसके अंदर ब्रेड की गाड़ी है, मतलब हल्के लोड पर चलेगी ये गाड़ी। हल्के लोड पर चलाने के लिए सबसे बेस्ट है ये गाड़ी, इलेक्ट्रिक ऑटो। और अगर ज़्यादा लोड कैपेसिटी चाहिए तो फिर आप क्लासिक या कोई और डीजल गाड़ी ले सकते हैं, जिससे आपको लोड में कोई परेशानी नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक ऑटो आप लें तो इलेक्ट्रिक ऑटो सिर्फ नॉर्मल थोड़े लोड के लिए है, जैसे कि इनका काम है ब्रेड का, तो ब्रेड के काम के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। बाकी हम इनसे भी पूछेंगे रिव्यू, इन्होंने जितने दिन चलाई वो गाड़ी कैसी चल रही है, बैटरी पिकअप वगैरह। सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। आज एक और बार हमारे सामने है आपे की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, आप देख सकते हैं हमारे सामने इलेक्ट्रिक गाड़ी आपे की ई एक्स्ट्रा के नाम से आई हुई है और खूबसूरती में काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। और जहाँ तक बात करें इसके जो है आपका बॉडी वगैरह की, तो वो सब आपे जो आपका डीजल इंजन था उसी टाइप की बॉडी है पूरा। जहाँ तक गाइस इसके मीटर वगैरह की बात करें तो मीटर देख सकते हैं आप, इस पर डिजिटल मीटर दे दिया है, डैशबोर्ड वगैरह जो कि आपका आता था उसके अंदर, जो आपकी आपे की BS6 थी या फिर अभी न्यू मॉडल जो आपे आ रहा है BS6 में क्लासिक, उसका भी सेम डैशबोर्ड इसी टाइप का है। सिर्फ इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, इसमें डिजिटल मीटर स्विच वगैरह सारे उसी टाइप के हैं। और एक्सलेटर, मतलब उसमें वायर जैसा सिस्टम नहीं था। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है आपकी, काफ़ी ठीक ठाक गाड़ी। सो गाइस केबिन साइड की बात करें तो केबिन में आप देख सकते हैं जो फ्यूज़ बॉक्स है आपका, वही इसका ओल्ड मॉडल आपे में जो आता था 6 फ्यूज़ वाला, वो फ्यूज़ बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर वही फ्यूज़ हैं आपके जो आपे में थे ओल्ड मॉडल में, हेडलाइट वगैरह के, वाइपर का और पार्किंग लाइट के, हॉर्न के, ये सारे फ्यूज़ हैं इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। गाइस इसमें बैटरी पहले आती थी यहाँ पर और अब इन्होंने बैटरी जो है घुमा के उस साइड लगा दी है, दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस जो बैटरी है वो इसकी इस साइड है और बैटरी देखेंगे आप एक ऑक्सिलरी बैटरी जो कि ये देखो आप 9 एम्पियर की जो बुलेट में आती है बैटरी, वो बैटरी आपने इसके अंदर देखने को मिल रही है। गाइस बुलेट में ये बैटरी आती थी और अब हमें दे दी है हमारे ऑटो में। ठीक है 9 एम्पियर की बैटरी है जहाँ तक मुझे लग रहा है ये, और ये KTM वगैरह में सारी गाड़ियों में आती है। तो और ये देखेंगे आप, आपको एक चीज़ और एक नई देखने को मिलती है भाई, ये क्या लगा हुआ है इसके अंदर, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, एक ये डब्बा नया दिया हुआ है, चाबी स्विच वगैरह, वाइपर सिस्टम, काफ़ी चीज़ें मतलब वही है इसकी जो आपे में आती थी हमारे, और अब नई गाड़ी में भी वही सिस्टम है। बस इसके अंदर बैटरी दे दी है, इंजन हटा के इन्होंने बैटरी और आपका मोटर लगा दिया। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर पीछे का कंपार्टमेंट भी देख सकते हैं आप, इसका जो अंदर का कंपार्टमेंट है आपका इंजन साइड का। भाई ये गाड़ी अभी क्या है, लोडेड है, इस वजह से मैं ढक्कन नहीं खोल पाया। बाकी आप देख सकते हैं इसमें ये कि ऊपर ये डब्बा लगा हुआ है, एक ये मोटर लगी हुई है और बैटरी जो है वो बैटरी इसकी मोटर के आगे साइड में लगी है, मतलब बीच साइड में। ठीक है, और वायर ये सब इसमें है। इंजन ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुला इंजन लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाली है बिल्कुल गाड़ी, एक मोटर पे वर्क कर रही है सिर्फ। और ये शाफ्ट आपकी जो दो लगी हुई हैं, एक इस साइड एक उस साइड, और ये हमारे वापस से अशफाक भाई क्या कर रहा हो आप इसमें? मट फ्लिप कसरा भाई, ये नई गाड़ी आई हुई है, आपको कैसी लगी गाड़ी देख के? गाड़ी अच्छी लगी, कंपनी वाले भी मट फ्लिप लगा के नहीं दे रहा इसको। अच्छा गाड़ी अच्छी है मगर सामान नहीं लगा के दे रहा है, तो देख सकते हैं भाई ये काफ़ी ज़्यादा सामान इन लोग को अलग से लगाना पड़ता है। खैर कंपनी का बस चले तो कंपनी इसमें मोटर भी नहीं लगा के दे, आप लगा लेना घर जाके, ऐसा कहते हैं कंपनी, है ना? अरे कंपनी वाले को बस चले तो कह देंगे बैटरी नहीं लगा के दे रहा, तुमने बैटरी भी नहीं। हाँ आने वाले टाइम में भाई ऐसे ही होगा, कंपनी वाले जो है वो आपको बैटरी भी लगा के नहीं देंगे, कहेंगे कि भाई आप एक काम करो बैटरी भी घर जाके लगा देना, है ना? भाई स्टेपनी इसके अंदर बाहर लगा दी, देखो आप ये स्टेपनी लगी हुई है बाहर, तो ये छोटा कोई खोल के लगाए, तो छोटा कोई खोलेगा नहीं ना, ये अंदर से बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ से? तो काट के देगा ये गेट के अंदर से। अच्छा, गेट के अंदर वो बात काट के पागल, तो चोर तो चोर होता है, वो तो कैसे भी चोरी कर लेगा। गेट खोल के चले आ गए लगाए। अच्छा ये बोर्ड लगाए भाई, देखो आप। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर अच्छा लगा ही देख के? कौन पहले अंदर आती थी स्टेपनी, अब बाहर दे दी, देखो खोलने के तो कुछ भी कर सकता है। हाँ लेकिन गाड़ी लेके जाएगा तो नहीं वो पचा नहीं पाएगा इसमें। तो वीरेन भाई काफी चीजें इसके अंदर कम दी है, मट फ्लैप लगा के नहीं दिए, GPS लगा हुआ है, माड़ी बनवाई थी आपने ना? हाँ, माड़ी में कितना खर्चा आ गया? 25,000 रुपये। 25,000 में पूरी जनरल बना के दिए काफी, और कलर वलर सब मैच कर दिया यार, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि अलग से बनी है। तो ये इतनी माड़ी आई होगी आप? हाँ, तो ये कटवा दी थी आपने? हाँ कटवा दी। ठीक है भाई, तो ये इन्होंने कटवा दी, 25,000 और लगा दिए,
और एक महीना हुआ है भाई को चलाते हुए, अब और आते रहेंगे और चलाते रहेंगे, ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहेंगे कैसी चल रही है गाड़ी। ठीक है, जीपीएस तुमने लगवाया? पहले से आया, पहले से आया जीपीएस लगा के दे रही कंपनी। चलो बढ़िया भैया, जीपीएस लगा के दे रही है, मुबारक हो। तो जीपीएस किसके मोबाइल से कनेक्ट होता है? मेरे मोबाइल से होता है अपना। अच्छा, जीपीएस भी है भाई इस गाड़ी के अंदर। ठीक है जी, आइए जानते हैं हम लोग गाड़ी वाले भाई से कि कितने की गाड़ी पड़ी है और कैसा क्या रिस्पॉन्स दे रही है गाड़ी। ठीक है, तो ये हमारे गाड़ी वाले भाई। भाई क्या नाम है आपका? वीरेन भाई। वीरेन भाई नाम है। वीरेन भाई, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली, मतलब क्या इसमें आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, इसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ता है। डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं है आपको? तो आप किस पर्पज़ में चलाएंगे इस गाड़ी को? ये लोडिंग पे चल रही है अभी, ब्रेड पे। ब्रेड पे चल रही है? तो आपको कितना टाइम हो गया है गाड़ी यूज़ करते हुए? अभी एक महीना हो गया। एक महीना हो चुका है? हाँ। तो एक महीने में जो है आपका गाड़ी कितने किलोमीटर चल जा रही है एक बार चार्ज होने पर? 120 किलोमीटर चल जा रहा है। 120 चल जा रही है। लोड वगैरह कैसे ले रही है? अच्छा है, लोड अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेली यूज पे आप मतलब डेली बेसिस पे यूज करते हैं? हाँ डेली करते हैं। डेली यूज करते हैं? ठीक है भाई, तो ये बता रहा है जैसे कि ये डेली यूज करते हैं और ब्रेड पे चलाते हैं, तो कितना लोड बढ़ते हैं फिर भी? तीन चार क्विंटल बस, इससे ज्यादा लोड नहीं बढ़ते? ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है हल्के लोड के लिए काफी अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी है। तो भाई ये कितने की पड़ी आपको गाड़ी? ये 5 की पड़ गई जी। 5 लाख की पड़ गई। 5 लाख की पड़ गई। फाइनेंस कराई या कैश में कराई? फाइनेंस कराई भाई। देखो आप 5 लाख रुपए में अप्रोक्स पड़ रही है गाड़ी, और चलने फिरने में कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर? कोई समस्या अभी तक नहीं है। अच्छा, मतलब चल सही साइड रही है? अच्छा, पिकअप मेकअप सब सही है? अच्छा, 40 स्पीड कितनी भगती है? 44 भगती है। ठीक है भाई, तो इतना लोड भर के 44 भग जा रही है। लोकल चलाते हैं आपके? लॉन्ग भी जाते हैं लोकल के लिए। ठीक है भाई, ये वीरेन भाई है हमारे और इन्होंने ये गाड़ी उठाई है, और भाई जैसा बता रहे हैं कि एक महीने में काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, और आगे भी आएंगे तो हम लोग जानते रहेंगे इनसे कि कैसी क्या गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेगा तुम्हारा भाई अगली वीडियो में।